आखिर अमेरिका में कभी क्रिकेट क्यों नहीं खेला जाता है? क्या है वो वजह जिससे अमेरिका में कभी भी क्रिकेट नहीं खेला जाता है? आखिर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देर तक सांस रोकने वाला व्यक्ति कौन है? आखिर स्पेस में एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री ज्यादा समय रहने के बाद जब धरती पर वापस आते हैं तब वो ठीक से चल क्यों नहीं पाते हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी के जवाब तो जुड़े रहे इस वीडियो के अंत तक। दुनिया का इकलौता ऐसा इंसान है जिन्होंने सबसे ज्यादा देर तक सांस रोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड 27 मार्च 2019 को बनाया गया था जिसमें उन्होंने 24 मिनट 37 सेकंड तक अपने सांसों को रोक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है और इससे इस रिकॉर्ड को अब तक किसी ने भी नहीं तोड़ा है। नंबर टू, दोस्तों क्रिकेट के बारे में कौन नहीं जानता। क्रिकेट दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल है और सबसे लोकप्रिय भी। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि अमेरिका कभी क्रिकेट नहीं खेलता? क्योंकि दोस्तों अमेरिका के पास खुद का खेल है जिसका नाम बेसबॉल है। यह खेल क्रिकेट के जैसा ही होता है और इस खेल को क्रिकेट के जैसा ही खेला जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और शुरू से ही अमेरिका के लोग इस खेल को पसंद करते हैं। शायद यही कारण है कि अमेरिका कभी क्रिकेट नहीं खेलता। नंबर थ्री, क्या आप जानते हैं स्पेस में एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री ज्यादा समय रहने के बाद जब धरती पर वापस आते हैं तब वो ठीक से चल नहीं पाते हैं। जहाँ तक कि महीने लग जाते हैं इसे रिकवरी होने में और ऐसा जीरो ग्रेविटी में रहने की वजह से होता है क्योंकि अंतरिक्ष में किसी भी तरह का कोई ग्रेविटी नहीं होता है। नंबर फोर, इसने हमें उसी समय सबसे पहले यह बताया था कि हम सिर्फ अपने हाथों को धोते रहने से ही कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। वही उस समय के सभी लोगों ने इनके बातों को मजाक में लिया था और उसे एक पागलखाने में भेज दिया गया। यही नहीं, उन्हें किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की कोई भी इजाज़त नहीं दी और आज देखिए कि हम उनके बताए गए इस नियम को बेहद ही अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। अब आप हाथ धोते समय एक बार इग्नेस सेमी माइलवेस को एक छोटा सा ठैंक को जरूर देते हैं। नंबर फाइव, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी इतना ज्यादा पढ़े हैं कि अगर पीएम के पद को एजुकेशन के तौर पर दिया जाए तो पक्का राहुल गांधी ही पीएम बनेंगे क्योंकि इन्होंने दुनिया की नंबर वन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है जिसका सपना हर विद्यार्थी को का होता है। क्योंकि 1919 में राहुल गांधी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला करवाया और वहीं अपनी पढ़ाई पूरी की। हालांकि कुछ सुरक्षा की वजह से इन्होंने अपने पहचान छुपा रखा था। थैंक यू।